हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे भैया भाभी आए हुए हैं। अभी मैंने नाश्ते में पोहा बनाया, अभी खाने में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, चावल दाल और रोटी। ये मेरा भाई भाई आ रही फिर वो करेगी। टमाटर को भी करना होगा। ये देखिए, ये मथुरा का पेड़ा है और ये आगरे का पेठा है। भाभी खाओगे? चुपके से खा लो, शुगर है ना आपको? अभी चुपके से मैंने आगरा का पेठा दिया क्योंकि भैया और बच्चे खाने नहीं देते, भाभी को शुगर है, तो मैं बोली लो चुपके से उठा लो और खा लो। मन तो करता है, मैं मीठा तो खाने का मन करता ही है यार। थोड़ा बच्चे चिल्लाते हैं उनको, भैया तो मीठा लाना ही छोड़ दिए घर में, भाभी खा लेती है करके। अगर शादी वगैरह में भी मिठाई मिलती है ना, तो भैया ना दूसरों के यहाँ दे देते हैं, या दुर्ग में आए तो छोटे भाई के यहाँ पे छोड़ देते हैं कि भाभी खा लेगी तेरी मिठाई करके। भैया बहुत ख्याल रखते भाभी का, ये बात है। क्यों भाभी? बहुत ख्याल रखते मेरा भाई भाभी का। दवाइयाँ वगैरह बिल्कुल टाइम टू टाइम अपने जेब में रखते, बताइए, जेब में रखते और टाइम टू टाइम देते हैं दवाइयाँ। बच्चे भी अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखते है ना भाभी? भाभी आपको खाने नहीं देते ना मीठा, खाने नहीं देते। अभी मेरे भैया भाभी भतीजी सब बाहर गए, जिस काम से आए वो काम करने के लिए वो लोग गए। मैं घर पे पूजा वगैरह की, मैं बोली मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन करना, तो मैं आ जाऊंगी। मैं अमेजोन से इस बार चप्पल ऑर्डर की तो बिल्कुल सही नाप का की, इस बार बहुत अच्छा बिल्कुल सही आया है, दिखाती हूँ मैं। इस पर बिल्कुल सही आया, अब अभी मैं जस्ट पूजा करके उठी हूँ। अभी मैं बनाऊंगी पहले चाय, उसके बाद आज खाने में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। मेरा छोटा वाला भाई सिर्फ आलू गोभी भिंडी उसके गिने चुने सब्जी हैं, वो सिर्फ वही सब्जी खाता है। पता नहीं बहुत ज्यादा ऐसा वाइट वाइट आ रहा है। अभी मैं बना रही हूँ चाय और एक तरफ मैं रखी हूँ पानी बॉइल्ड होने के लिए, फिर इसी में मैं गोभी डाल दूंगी, तो क्या होता है कि सारे जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो निकल जाते हैं। वैसे तो गोभी अच्छे से साफ किया है, फिर भी एक बार प्रिकॉशन के तौर पर बॉइल्ड वाटर में डाल दूंगी। इधर मैं दाल जो वरण बोलते हैं, प्लेन दाल ही खाते हैं। मेरा छोटा भाई को बिल्कुल राई जीरा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर प्लेन दाल बना रही हूँ। सिर्फ दाल को बना करके उसमें नमक और हल्दी डाल करके उसको मथ ले रही हूँ और बॉइल्ड कर ले रही हूँ। इधर बॉइल्ड वाटर वाटर में मैंने थोड़ा सा नमक डाला और अब मैं गोभी को डाल दे रही हूँ और थोड़ा गर्म कर लूंगी। उधर मेरी चाय भी बन रही है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ये मेरी चाय भी बन गई है, अभी मैं थोड़ी सी चाय और उसके साथ में मैं टोस्ट लूँगी। अभी मैं फिर से किचन में आ गई, अभी ये गोभी भी हो गया है, अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ और फिर आलू और गोभी की सब्जी मैं बनाऊंगी। मेरा छोटा वाले भाई को गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो सिर्फ गिनी चुनी सब्जी ही खाता है, जैसे गोभी भिंडी यही बस दो चार सब्जी ही वो खाता है, आलू सूखी कभी कभी खा लेता है। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाली, अभी इसमें मैं राई जीरा और हींग ये डालने के बाद आलू गोभी को अच्छे से सेकूंगी। जब आलू गोभी अच्छे से सीख जाएगा उसके बाद टमाटर धनिया पत्ती और हरी मिर्च वो भी मैं पीस करके
इसमें डालूंगी, पर इसको पहले अच्छे से मैं बहुत अच्छे से सिकने दूंगी। ये मैंने अभी दो टमाटर, धनिया पत्ते और हरी मिर्च ये मिक्सी में पीस रही हूँ और अब इसे मैं सब्जी में डालूंगी। और थोड़ा सा धनिया पत्ती बोल रही हूँ, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाली, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और अभी एक तरफ मैंने चावल भी रखा है, चावल वहाँ मेरे भाई लोग पसाया वाला खाते हैं, जो माड़ निकाल लेते हैं ना वैसा चावल खाते हैं। अब मैं गोभी आलू की सब्जी बन रही है, अभी मैं आगे कपड़े सुखाने के लिए, तब तक के लिए मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। मेरे भैया भाभी लोग तो बाहर गए हैं काम से, तब तक मैं घर पे ही हूँ तो ये सब काम मैं निपटा लेती हूँ। चावल भी बन गया, अब रोटी बना रही हूँ। अब फटाफट मैं रोटी बना करके रख लेती हूँ। तो आज के लंच में रोटी सब्जी चावल दाल छाछ यही पापड़ यही सब है।
खाने में मैं बनाई हूँ दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और छाछ। तो भाभी यहाँ बैठे हैं, पंखा चला लो ना, इतनी गर्मी में बैठे हो। बराबर बने सब्जी? अब अभी मैं किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पेंट करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।